हमसे पंगा लेते हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। We not do something, sir. Then why doing they without soap, sir? उनको तो तुमसे जलन होगी ना। उनके देश में वो लोग टॉयलेट्स और कार्स होते हैं और तुम लोग एसी रूम्स में बैठकर डॉलर्स कमा रहे हो। उनका फ्रस्ट्रेट होना जायज है, तभी उन्होंने पीटा। अब एक काम करो, उन्हें सॉरी बोलकर कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज करे? अगर तुमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और पुलिस में उनकी कंप्लेंट की, वो तुम्हें गोली से उड़ा देंगे और खबर फैल जाएगी कि कुछ NRIs ने आत्महत्या कर ली है। और ये खबर सुनकर तुम्हारे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। मेरी बात मानो और उनसे कॉम्प्रोमाइज कर लो। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, विक्की कोई रास्ता निकाल लेगा। लेकिन वो है कहाँ? Hey guys, can I join you? तुम्हें गेम खेलना है? आ जा। ये निशाने पर। ये खेल लेने ये मारने आया है। Shit! Fight करना है? तुम्हें fight करना है? Fight दो लोगों के बीच में होती है। एक आदमी 10 की धुलाई करेगा तो उसे fight कैसे कहेंगे? कहते हैं कि अगले से शाणे को मारो और चालाकी से ताकतवर को, लेकिन मेरा दोस्त कहता है कि ऐसा मारो कि याद आ जाए पारो। Oh come on, where you going, guys? Don't leave me alone. Come back. Hey, come here. Come back right now. Come on. Hey, baby. Give me a minute. I'm sorry. मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड। नमस्ते। सॉरी, अब भी दुख रहा है? कोई बात नहीं, उन्हें जिस तरह उन्हें पीटा है अभी तक वो लोग बिस्तर से उठ नहीं पाए हैं। लेफ्ट लेइंग देन राइट लेइंग देन ऑफिस कमिंग। थैंक यू। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में 4 साल हो गए, अभी तक इंग्लिश बोलना नहीं सीखा। आई टेल करेक्ट ऑफिस नो। चुप कर, उसे तो जापान पूछा, तूने उसे चाइना भेज दिया। नो, आई टेल करेक्ट। टेल, अंग्रेजी में शब्दों का ऐसा इस्तेमाल नहीं होता। आई एम शॉक्ड। भाई ये भी गलत। हाय दोस्तों। हाय। क्या हाल है? हाय स्वाति। गुड न्यूज़ गाइस, हमारी शादी फिक्स हो गई है, अगले संडे कैथलिक चर्च। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। अब एक बैचलर पार्टी चाहिए। कांग्रेट्स स्वाति। थैंक यू। ए, माइंड गेम वालों का फोन है। दोस्तों, माइंड गेम वालों को हमारा बनाया हुआ वीडियो गेम पसंद आ गया। Yes! वो 50% पार्टनरशिप के लिए राजी हो गए हैं और इंडिया में अपनी कंपनी भी लॉन्च करेंगे। Yes! We gonna achieve our goals, man. Hey, come buddy, man. बच गए। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो मेरा बाप मुझे इंडिया बुला लेता और वहां तबेला संभालना पड़ता। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? हमारा साथ छोड़ दोगे, कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा नहीं करोगे, माइंड गेम्स कंपनी वाले क्या कहेंगे? स्वाति इस काम से खुश नहीं है, वो बहुत अपसेट है। वो नहीं चाहती कि मैं जॉब छोड़कर कोई बिजनेस शुरू करूं। मैं मजबूर। उसे कहा ये हमारा सपना है? मैंने उससे कहा, पर वो कहती है कि जॉब में सिक्योरिटी है और बिजनेस में रिस्क है। अब मैं क्या करूं?
ए, जो दिल कहता है वही कर। दूसरों को खुश करते रहोगे तो खुद कभी खुश नहीं रह पाओगे। मैं समझता हूँ, पर स्वाति समझने को तैयार नहीं। क्या बकवास है? क्या रे, तू चाहता है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर वापस नौकरी करें? जोरू के गुलाम, शर्म नहीं आती हमें बीच रास्ते में छोड़ते हुए? ज्यादा नो बोलिंग। अरे छोड़ यार, कल की आई लौंडिया के लिए हमें लात मार रहा है। जो बोलना है मुझसे बोल, स्वाति को बीच में क्या करेगा, क्या करेगा बोलना। अरे ये समझता क्या अपने आपको? ये जानता है कि इसके बगैर अपना काम नहीं बनेगा, इसलिए तब भाव खा रहा है। आज इसको उस लड़की के लिए अपनी दोस्ती प्यारी नहीं रही साला। छोड़ यार, मेरा भी मन मर गया है, चल। परफ्यूम अच्छी है, स्वाति ने ही सिलेक्ट की होगी। ऐसा नहीं है, लड़कों वाली नहीं। नहीं यार, बाय। ए यार बात तो सुन। हे प्लीज यार, एक किरण तू तो समझ यार। I'm sorry यार, हम करेंगे व्हाट अभी? उनसे मिलकर थोड़ा और वक्त मांगते हैं। ओके डैडी। हाँ श्री। पिताजी कह रहे हैं कि एंगेजमेंट के लिए शनिवार का दिन अच्छा है, तुम क्या कहते हो? बड़ों की बात को कैसे इनकार करें? What's happening, KP? मैं अपनी बेटी को इस पेटू के घर भेज रहा हूँ बहू बनाकर। एंगेजमेंट 2 दिन के बाद है और शादी इंडिया में है अगले महीने। Great, best friends are becoming relatives. I'll catch you later, KP. Bye, bye, bye. Ball, please. कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास एक बढ़िया एनिमेटर है रॉबर्ट, तुम उसे शामिल कर लो। थैंक यू। रॉबर्ट ये काम कर पाएगा ना? तुम फिकर मत करो, मुझे उस पर भरोसा है। नो नो, नॉट लाइक दैट। गेम बनाना एक क्रिएटिव जॉब है, वो मेरी टीम के साथ एडजस्ट कर लेगा, बस इसी बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। अगर वो एडजस्ट ना कर पाए तो तुम कर लो। सॉरी, मुझे एडजस्ट करना नहीं आता। यूथ एटीट्यूड। मुझे तुम्हारा नाम तो नहीं पता, पर एडजस्ट करना जरूरी है वरना काम नहीं बनता। मुझे भी आपका नाम नहीं पता, पर अगर एडजस्ट करेंगे तो हारेंगे। देखो विकी, या तो अपना आदमी लाओ या रॉबर्ट को शामिल करो, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। सॉरी, मैं अब समझौता नहीं कर सकता। या तो रॉबर्ट को आप मेरे पास भेजिए या हमें थोड़ा और वक्त दीजिए। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ईगो के चक्कर में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लूज कर दो? इतनी दूर मैं कॉन्ट्रैक्ट लूज करने नहीं आया। और हाँ, ये सिर्फ गेम नहीं है कि एक शॉट मिस हो गया तो दूसरा मार लिया। ये मेरा ड्रीम है और मैं रिस्क नहीं ले सकता। एक्सक्यूज मी, मैं ऐसा नहीं सोचता। ये आपकी प्रॉब्लम है। क्या मतलब है तुम्हारा? छोड़ो यार। नहीं, तुम रुको, जवान खून है, जिद में प्रोजेक्ट खो देगा। अगर इसे अकल होती तो इतना अकड़ के बात करता। इसे समझाना बेकार। ए, पिछली दिवाली के हीरो, तुम लोग क्या खुद को फिरंग समझने लगे हो? और ऐसे कपड़े पहन लेने से कोई फिरंग नहीं हो जाता। और ये क्या खेल है? इतने बड़े मैदान में एक छोटी सी बॉल को मारते और फिर उसी को ढूंढने लग जाते, बोर नहीं होते? ओल्ड एटीट्यूड। इससे जो शादी करेगा उसकी जिंदगी तो नर्क हो गई समझो। उसके बाद मैंने शिवाजी की जगह अपने एक पुराने दोस्त को रख लिया। हमने अपने बिजनेस की एक नई सिरे से शुरुआत की। थिंग्स वर नॉट इजी, बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट। कुछ दिनों बाद हम लोग इंडिया के लिए रवाना हो गए। मेरी बहन की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। अपने परिवार से 4 साल बाद मिलने वाला हूँ मैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। यू कैन सेलेक्ट व्हाटएवर यू वांट। एक्सक्यूज मी सर। यस, दिस इज फॉर यू। व्हाट इज दिस? अरे यार, कैडबरी वाले मेड फॉर ईच अदर नाम की नई चॉकलेट बना रहे हैं। ओके, तो क्या इसके लिए वो दुनिया भर के बैचलर लड़के लड़कियों से ये फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं। जिन 2 लोगों का जवाब एक जैसा होगा उनके हाथों ये चॉकलेट रिलीज करवाएंगे। क्या बकवास है। प्लीज ट्राइंग यार। तू ट्राई कर ले, तुझे कोई ना कोई अफ्रीकन मिल जाएगी। थैंक यू। नो थैंक्स। थैंक यू सर। दे आर जेलिंग ऑफ माय खुशी। ये खुश होता है। वेट वेट, अगर इस दुनिया में कोई लड़की जिसके ख्यालात मुझसे मिलते हो वो मुझे मिल जाए तो Let me try. पसंदीदा कलर व्हाइट। पार्टनर की सबसे अच्छी चीज क्या होनी चाहिए? ऑफ कोर्स स्माइल।
वो खुश हो तो क्या करना चाहिए? डांस। मैंने पंडित और वीडियो वाले का इंतजाम कर दिया, वो लोग यहाँ टाइम पे पहुँच जाएंगे। बहुत क्यों अंकल, कहाँ हैं आजकल आप? दिन भर शादी की तैयारियों में लगा रहता हूँ बेटा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सारी तैयारियां तुम ही कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा। हाँ, बड़ी मदद कर रहा है मेरी। सारी मदद तो लड़की के बाप नंदू के लिए कर रहा है। कम से कम किसी के लिए तो कर रहा हूँ। चलो मैं चलता हूँ। अंकल कॉफी? मुझे ललचाओ मत, शाम को आता हूँ। ठीक है, चलता हूँ। हाँ ठीक है। टेंकली की मेंकली। अरे बाप रे, तीसरे वर्ल्ड वॉर में भारत ने सबको हरा दिया और मैंने। मेरी आखिरी गलती, तीसरा वर्ल्ड वॉर अभी हुआ नहीं है। हाँ, आपको कैसे पता? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं, ठीक से पढ़ो। कोशिश तो वही है। हेलो बेबी, 12 महीनों में 14 तरीकों से तुझ पे प्यार लुटाऊंगा मैं। डैडी ओए फटे हुए ढोल, शक्ल तो तेरी ढंग की है नहीं, कम से कम गाना तो सुर में गाया कर, सुरदास की औलाद। ओके डार्लिंग, ओके। बोलती हूँ इस देवदास की पारो बनेगी। कब तक इसकी बदतमीजियाँ सहते रहेंगे? मेरी शादी होने तक। वही तो, कब करोगी शादी? डैडी की एक ख्वाहिश जल्दी पूरी होने वाली है, उन्होंने दीदी के लिए एक दूल्हा ढूंढा है। क्या दूल्हा? मुझे भी तो पसंद आनी चाहिए। तुम्हें वो पसंद आएगा। देखो बेटी, तुम जितना यहाँ खुश रहती हो उससे कई गुना ज्यादा वहाँ खुश रहोगी। डैड, मैं किसके साथ खुश रहूंगा ये आप कैसे तय कर सकते हैं? मैं कुछ तय नहीं कर रहा हूँ बेटी, हमारे बीच जो डिस्कस हुआ वही बता रहा हूँ। आपने उनसे क्या कहा होगा? मेरा बेटा ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स कमाता है, शादी के बाद वो तुम्हारी बेटी को ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा, यही कहा होगा ना? ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा? नो वे। ऑस्ट्रेलिया को छोड़ो, वो तो किसी और कंट्री में सेटल होने को तैयार नहीं है। हमने इस रिश्ते के बारे में तब सोचा था जब तुमने इंडिया में सेटल होने की बात कही थी। लड़की कौन है पापा? वो लड़का? वो लड़की? वो बचपन में इतना अकड़ू था। वो बचपन से ही टीचर गिरी झाड़ती थी मुझ पर। वो टॉर्चर है डैड, टॉर्चर। लोग हमेशा एक जैसे नहीं होते, वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। देखो विक्की, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, पर उसे एक बार देखने में बुराई क्या है? कुछ हम 10 दिन के लिए वहां जा रहे हैं, देखकर बताऊंगा। वो 10 दिन के लिए यहाँ आ रहा है ना, देखकर बताऊंगी। मेरे लिए ये सिर्फ एक डेटिंग है, आप लोग कुछ तय मत कीजिएगा। मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ, अगर उसने अपने फॉरेन रिटर्न होने का रॉब मुझ पर जमाने की कोशिश की या उसने मेरी इज्जत नहीं की तो चुप नहीं बैठूंगी। जैसा तुम चाहो। भगवान जी, अगर ये रिश्ता पक्का हो गया ना। मेरे पति आपके दर्शन के लिए अपने सिर मुंडवा कर अपने घुटनों के बल चल कर आएंगे। बेटा, एक जमाने में यहाँ से लेकर वहाँ तक सारी जमीन हमारी थी, तुम्हें याद है ना? अभी तो नहीं है ना, अभी की बात करो डैड। हमारा गांव कितना खूबसूरत है ना। मंदिर आ गया। अरे बेटा जरा गाड़ी रोकना तो। 10 दिन के लिए है ना, बाद में दर्शन कर लेना। अरे अगर हमने दर्शन नहीं किए तो हमें पाप लगेगा। हाँ क्या हुआ जी? पंक्चर हुआ है। अरे दूसरा टायर भी नहीं है। मैंने बोला था ना मंदिर में दर्शन नहीं किए तो सजा मिलेगी। माँ, भगवान हमारी तरह मतलब ही नहीं है जो मंदिर नहीं जाने से ऐसा करेगा। अच्छा आप लोग मंदिर चलिए, मैं टायर ठीक करवा के आता हूँ। सुनो, देखना कहीं इधर उधर भटक ना जाओ। क्या कहा आपने? मैं बच्चा नहीं हूँ डैड, आई नो। भगवान हमारे गो टू। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान ले रहे हैं आप मेरा? लिफ्ट देने के लिए किसी को तो भेजिए मेरे पास। नहीं यार, गांव की गंवार लड़की है। रुके, कहाँ जाना है तुम्हें? राव के घर तक। नहीं नहीं, मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया तो पहले मुझे पंक्चर वाले के पास जाना है। नाम क्या है? विकी। बैठो। ओके, थैंक यू। मुझे नहीं पता था कि गांव की गोरियां इतनी एडवांस्ड हो गई कि किसी को लिफ्ट दे सके।
इसीलिए मैं पहले डर रहा था। थैंक्स डार्लिंग। क्या? वो डार्लिंग बोलना मेरी बचपन की आदत है। तुम यहाँ पर डॉक्टर राव की बेटी प्रिया को जानती हो? जानती हूँ। क्यों? कुछ नहीं, मेरे मॉम डैड उसे मेरे गले बांधना चाहते हैं। पता नहीं कैसी है, मोटी है, काली है, नाटी है या सुंदर है। सुंदर होना जरूरी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। बचपन में बस वो थोड़ी खिसकेली थी, थोड़ा सा स्क्रू ढीला था। सिर्फ अपनी ही सोच रहे हो, उसने मना कर दिया तो? मुझे मना कर ही नहीं सकती, नो चांस यार। अभी पता चल जाएगा क्या कर सकती हूँ। पंक्चर वाले की दुकान उस तरफ है। ठीक है, वैसे तुम भी बहुत खूबसूरत। क्या? मजाक कर रहा था। मेरे साथ वॉक पर चलना पसंद करोगी? थैंक्स डार्लिंग, फिर मिलेंगे। सफर एंजॉय करना। गांव की प्यारी सी गोरी। सॉरी है, यहाँ से सीधे जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? पहाड़ के पास। ओके, और उसके बाद? नदी के पास। नदी? और पंक्चर की दुकान कहाँ मिलेगी? वो इस तरफ नहीं है, सीधे चलते जाओ 10 किलोमीटर। व्हाट? क्यों बेटा, तुम टायर चेंज करने चिंचपोकली गए थे क्या? बस भी करो, इतने सालों के बाद गाँव आया है, जरूर गाँव में घूम रहा होगा। बेटी प्रिया। हाँ? अरे विक्की के लिए एक गिलास पानी तो लेकर आओ। गांव की कोरी? हंसले हंसले, आखिरी बार जी भर के हंसले। तुमने 10 किलोमीटर चलाया ना मुझे, अब देखना अगले 10 दिनों में तेरा क्या हाल करता हूँ। यू आर रिजेक्टेड। खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो, मुझसे दूर ही रहना वरना नानी याद दिला दूंगी। वैसे तुम्हें 10 किलोमीटर दूर इसीलिए छोड़ा था कि तुम समझ जाओ कि यू आर रिजेक्टेड। आपका सफर अच्छा तो रहा ना? वो तो अभी शुरू हुई है। ये iPhone 4 है ना? ये ग्लासेस गुची के है ना? ओकले। ओकले। मुझे दोगे? हमने सबसे कह के तो रखा है, लेकिन पक्की तारीख किसी को नहीं बताई है। कोई बात नहीं, चलकर सबको बता देते हैं। हमें जाने की क्या जरूरत है? विक्की चला जाएगा। विक्की? वो फिर कहीं भटक गया तो? हाँ, प्रिया चली जाएगी। ये ठीक रहेगा। अब आएगा मजा। बेटा मीठा? नहीं आंटी, मैं मीठा नहीं खाता। अच्छा, अब पता चला इतने कड़वे क्यों? मीठा जो नहीं खाते इसकी तो मैं। पहले बता कि किस बात से ज्यादा चढ़ती है तेरी बहन? एक नहीं, 3 बात बताता हूँ। किसी ने अगर उसे गुलाबो कहा तो उसकी खैर नहीं। चलिए रख और मजे कर। गुलाबो, मेरे लिए चिकन लाना। मामू, डेंजर। ई कहा, आपको कैश हुई कब आका? अनिक, उई तरह से ना उतरे। इस तरफ से मना है क्या? उल्लू बनाया? थोड़ा मजाक करने का जी नहीं करता तेरा? जी कर रहा है तो रहा, पेटवा दबा दूं। नहीं दबा पाएगा, इट्स नेचुरल। सब जलते हैं मुझसे क्योंकि मेरे जैसा बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि मेरी बात ही अलग है। चप्पल निकालो जल्दी। 50 रुपए की है, चोर बाजार से ली है, अब धो डालो। अरे चप्पलों को नहीं, मेरे पैरों को धोना था। सुन रे, क्या? तेरी बेटी है ना? हाँ मालिक। नाम क्या रखा है? हमारी माँ का नाम लतिका। लतिका? ये कैसा नाम है? दूसरों का नाम चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? छे 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 छे। लतिका, लतिका, का आतील, कातिल, एकदम परफेक्ट नाम, बढ़िया है ना? पसंद नहीं आया? छोटे लोग छोटी पसंद। ओहो,
मुझे कॉफी इतना पसंद है ना कि अंकल आप मुझे मुड़वा लेंगे तो मेरी तरह जवान और स्मार्ट लगेंगे। क्या बोल रहे हैं? जस्ट जोकिंग रे बाबा, समझा करो। और बेटा सब ठीक ठाक? तुम बता क्या ठूस रहे हो? सिर्फ सांबर खा रहा हूँ। अरे अगर खाली सांबर पियोगे तो कैसे टेस्ट आएगा तुम्हें? नहीं, बस थोड़ा आलू मिलाओ और बाकी सब सब्जियाँ मिलाओ और खा। क्या कर रहे हो? थोड़ा गाजर भी खाओ, पत्ता गोभी भी खाओ, लो ठूसो अपने पेट में। अरे क्या कर रहे हो मामा? चूरा करके डाल दिया इसमें, देखना अब आएगा मजा। आई नो सबको टेस्टी खाना खाने का हक है। अंकल मेरे लिए भी कुछ बनाओ ना। आई लव यू माई बॉय, तुम्हारे लिए भी मैं कुछ टेस्टी बनाता हूँ। आपका हाथ तो नहीं जल गया? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो आग को पानी में भिगो के पी सकता हूँ। मैं बस अभी हाथ धो के आया। मैं नहीं, भिखारी है। कैसे हो विकी बाबू, पहचाना नहीं? तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं 1 रुपया देगी तो मुझसे शादी करोगे। सच में? अभी भी दे दो, शादी कर लेगा तुमसे। याद आया विकी बाबू? तुमको कैसे भूल सकता हूँ, तुम इस गुलाबों की नाक जो साफ किया करती थी। आप काम क्या करते हैं? बेचारे के पास कोई काम धंधा नहीं है, वीडियो गेम बनाता है जो फालतू लोग खेलते हैं। हम कार में नहीं जा रहे? थोड़ी खराब है। तोड़ जाओ, मैं चला लेता हूँ। क्यों? ब्रेक लगाकर चिपकने के लिए? What? वाह क्या खुशबू है। मुलायम बाल। ओके, तुम चलाओ, पर ब्रेक मत लगाना वरना शामत आई समझो। ये क्या कर रहे हो? ब्रेक क्यों नहीं लगाया? तुमने तो कहा ब्रेक मत लगाओ। स्टॉप, उतरो। मेरी मदद चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ओह गॉड। हैप्पी? घर के टेरेस पर एक स्पेशल जगह है जहाँ कोई नहीं जाता, वो पता नहीं क्यों उसे स्पेशल लगता है, मेरा आईफोन। ए, ये तुम क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती मेहमानों के घर पर पी रहे हो? वैसे मैं भी कभी घर पे नहीं पीता, पर जब पता चला ये जगह तुम्हारे लिए खास है तो सोचा यहीं पी लेता हूँ। चलो उठो और यहाँ से निकलो, ये मेरी जगह है, मेरी प्राइवेट जगह। आउट। वैसे पीने की मस्त जगह है।
खेल तो भी शुरू हुआ है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त गुलाबो। इसका मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो। हाय प्रिया, तुम्हारा विकी कैसा है? अभी भी पहले जैसा ही है, इरिटेटिंग। इरिटेटिंग? दो दिन में ही परेशान हो गई? दो दिन की बात कर रहे हो? मैं तो उसे दो मिनट भी झेल नहीं सकती। गुड मॉर्निंग। मुझे विकी पसंद नहीं है डैडी, हर बात में बस जीतना है उसे, बिल्कुल नहीं बदला है, बहुत जिद्दी है वो डैडी, इरिटेट हो चुकी हूँ। शरारत तो तुमने शुरू की थी ना बेटा। जरा आईने की तरफ देखो, हम मुस्कुराते हैं तो वो भी मुस्कुराता है, और अगर हम उसे गुस्से से देखते हैं तो वो भी वही करता है। इंसान भी वैसे ही होता है। तुम हमेशा कहती हो ना कि जो भी हम देते हैं वही हमें मिलता है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, मेरी खातिर सिर्फ एक दिन विकी के लिए सोच कर देखो, उसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं बदलता तो ना कह देना। जो भी हुआ है उसे भूल जाओ, अब एक नई शुरुआत करते हैं। Let's be friends। तुम बहुत खूबसूरत हो। कहा ना झगड़ा भूल जाओ। यकीन मान, तुम वाकई खूबसूरत लग रही हो। मुझे लगता था कि साड़ी में तुम बहन जी लगोगे, पर मैं बिल्कुल गलत था। कितना परेशान किया है मैंने तुम्हें। I'm sorry। फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। ओके सुनो जी, जैसे ही प्रिया विकी हाँ। को लेकर इस कमरे में आएगी तुम उसके ऊपर चादर डाल देना, फिर इस बंबू से उसके तंबू खड़ देंगे। इस काम में मालकिन हमारा साथ देगी? अरे भाई क्यों नहीं देगी हाँ। हम उसी का बदला तो ले रहे हैं हाँ। चल चल वक्त खोटी मत कर। चलिए मालिक। क्या मालिक, मालकिन उसके साथ आ रही जबकि उनको प्लान के बारे में पता भी नहीं। छोटे मेरी भांजी है, मैं इशारा करूंगा वो समझ जाएंगी। हाय बॉबी। तुम विकी को कमरे में ले आओ, गेम ओवर। हाँ मुझे मेल कर दो। समझा है? लेटना डन एक और ले। इका मालिक, आपने इका इतना मारा फिर भी चट्टान माफी खड़ा है। इसे मैंने इतना मार मारा कि इसके दिमाग का फ्यूज उड़ चुका है, लेकिन किसी को छुप के मारने में कोई मर्दानगी नहीं है। चल जल्दी पर्दा हटा। गलती से मिस्टेक हो गया, इट्स ए मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी। तुम मेरा फ्यूज उड़ाओगे? माँ कहती है गलती इंसान से ही होती है।
साहेब की तो बच गई बहन। हाँ, आपको तो एक खरोच तक नहीं आई मालिक। खरोच देखनी है? ऐसी जगह खरोच आई है ना तो दिखा सकता हूँ और ना छुपा सकता हूँ। विकी वो देखो स्कूल, कुछ याद आया? हाँ हाँ अच्छी तरह याद है। स्कूल से मुझे मैथ्स के टीचर की याद आ गई। ओह गॉड, ही वाज अ नाइटमेयर। अगर मुझे टेबल्स याद नहीं होते थे तो वो मुझे स्केल से घुटने की हड्डी पर मारता था। और वो पांडू बाबू याद है ना, वो अपना हाथ उसे देता था और तुम्हें देखता रहता। तुम्हें याद है ना? याद है। आई मिस माई क्रिकेट टीम। हम सब बड़े होकर सचिन बनने का सपना देखते थे। कितना अच्छा होता अगर मैं दोस्तों से फिर मिल पाता। क्या? नहीं साहब। अरे जल्दी करो, प्यास से मेरी गाय मर जाएंगी। जाओ जल्दी। हाँ, पानी पिलाता हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते बेटा। ये कौन है? ये मुझे नमस्ते भी नहीं कर रहा। विकी, आनंद अंकल का बेटा, और ये है सुबहराव अंकल, वेटरनरी डॉक्टर। हाय। ओहो, तुम वो हो जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हो? मेरा बेटा भी ऑस्ट्रेलिया में रहता है। कह रहा था कि वहाँ उसका जो सॉफ्टवेयर का धंधा है वो पूरी तरह मंदा हो चुका है, उसकी नौकरी भी जा सकती है, इसलिए वहाँ काम करने की क्या जरूरत है। यहाँ मेरा तबेला है और उसे यहाँ वापस बुला लिया। लेकिन तुम्हारे पिताजी तो मेरी तरह बिजनेसमैन नहीं है ना, अब तुम क्या करोगे? बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। कोई मुश्किल नहीं होगी अंकल, ये वीडियो गेम्स बनाता है। अगर एक भी गेम बिका तो 1000 तबेले खरीद सकता है। ये तो नैले पे दहला मार रही है। चलो विकी। बैग में पकड़ो। कल्लू भाई, ये भाभी है ना? मारू तेरी हल्लू हल्लू। जल्दी चलो विकी। आपको ने सुना तेरे को लड़का देखने आया? तूने कहीं उसको हावा तो नहीं बोल दिया? मैं जानता हूँ नहीं बोलेगी। और अगर गलती से भी हाँ किया ना, गेम बजा डालूंगा। चलो निकलते हैं। अब ये जोकर कौन? नाम अपुन का कल्लू, मारू तेरी हल्लू हल्लू। ये अपुन के रगों में समाई है, अपुन का प्यार पूरे एरिया में फेमस है। ज्यादा होशियारी किया तो मम्मे! इसे क्यों मारा विकी? ये तो मैं छेड़ रहा था ना। अब ये बदला लेगा तुमसे। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो। ये क्या किया तुमने? गाना ही बदला लेगा इसलिए इसे शहर ले जाकर खलास कर देंगे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। पर तुम तो एक हफ्ते बाद शहर जाओगी ना, तो एक काम करो, इसका खेल आज ही खत्म कर दो। दीदी आप तो नाराज हो गई। ओके, यहाँ अगर आसपास में कोई कुआं है तो मैं इसे मारकर वहाँ फेंक देता हूँ। गुड आइडिया। कुएं में मत फेंकना बहना, समझा? बजा दे ना तेरी तक दिन अगन दिन। सुनो ना दीदी, दीदी मैं डर गया। कहने की अपनी बीवी को भी नहीं छेड़ूंगा मैं, अपने 11वें बाप की इकलौती औलाद हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पहुंच गए, ये मुझे कुएं के पास ले आया। कोई मेरी जान बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। Idiot. सुन प्यारे, जितना तेरे को किसी लड़की से अपने प्यार का इजहार करने का हक है, उतना ही लड़कियों को तेरे प्यार को ठुकराने का हक है। जोर जबरदस्ती और धमकी से प्यार नहीं मिलता मेरे भाई, फिर तू क्यों बेकार कोशिश करता है? देख यार, कोई ना कोई होगी जो तुझे दिल से प्यार करेगी, बस सबर कर और उसका इंतजार कर। गो। ठीक है भाई। गुड लक। चलो। छह, कुछ तो सोचना पड़ेगा। ये काम मालिक, विकी बाबू का गेम बजाएंगे। अरे उसका गेम बजाना तो एक मिनट का काम है, एक मिनट का। अरे मैं तो उसके कपड़े फाड़ फाड़ के उससे पाई पाई का हिसाब लूंगा, उसके बाल पकड़ के उसके मुंह में कपड़ा ठोसूंगा, उसके बाद उसे बोरी में भर के कोड़ मारूंगा। ऐसे ऐसे ऐसे। Hey.
मामा जी आपका भाई। जब तू लोटपोट हो रहा था, जब तू तालियां बजा रहा था, मैं तब आया। मैं कोड़े खा रहा था, तू हंस के हवा खा रहा था, हाथी का बच्चा। मामा कुछ भी बोलो पर हाथी का बच्चा मत बोलो। और क्या बोलूं हां, ऐसा लगता है कि किसी भैंसे ने पैंट और शर्ट पहन रखी है। हाथी का बच्चा नहीं तो और क्या कहूं तुझे। मामा हाथी का बच्चा नहीं तो क्या तेरी। मामा हाथी का बच्चा मत कहो। हाथी का बच्चा मामे। आज से ये एरिया मेरा है, समझे? अगर तुमने कोई होशियारी की और अगर मुझे आंख उठा के भी देखा तो मैं तुम्हें यही कर दूंगा। हाय विकी। हाय। कैसी लगी भाभी? गुड। तो तुमने उसे हाँ कह दिया? अभी तक हाँ तो नहीं बोला है, पर इनकार करने की कोई वजह भी नहीं है। हमारे प्रोजेक्ट के लिए उस नई कंपनी ने क्या कहा? ये क्या है विकी? हाँ, क्या मतलब है इसका? कहा था कंपनी यहीं शुरू करेगा, इंडिया में सेटल होने की बात हुई थी ना, फिर तुमने 3 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में जॉब के ऑफर के लिए कैसे आकर दिया? डैड, ऑफर किसी छोटी कंपनी से नहीं है। प्रोजेक्ट खत्म होने तक मुझे वो सैलरी देंगे और बाद में प्रॉफिट शेयर। कितना पैसा देंगे वो बोलो? ये यहाँ पर नहीं कमा सकता? हम यहाँ पर भी तो कंपनी शुरू कर सकते हैं बैंक से लोन लेकर। डैड, यहाँ पर वो वाली बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? हर बात तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी। अरे आप समझते क्यों नहीं? क्या समझूं? हमने ये फैसला इसलिए लिया था क्योंकि तुमने इंडिया में। डैड, दिस इज माय ड्रीम माय लाइफ। ड्रीम खाक ड्रीम है, ऐसा लगता है यही सपने देखता है बस। विक्की को जाने दीजिए अंकल, 3 साल तो पलक झपकते निकल जाएंगे। अपने सपने पूरे करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अंकल। और जिंदगी की असली खुशी तो दूसरों की ही खुशी में है ना? हे, तुम यहां पर हो? मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा। वैसे क्या कर रही थी? मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। जब मैं छोटी थी तो मम्मी मुझे यहाँ खिलाती, बहुत सी कहानियां सुनाती, होमवर्क भी कराती। आई लव दिस प्लेस। मम्मी की बहुत सारी यादें हैं यहाँ, इसीलिए तो इस जगह को गंदा होते हुए नहीं देख सकती। गुड। मम्मी को डांस बहुत पसंद था, इसलिए मैं उनकी याद में आज भी डांस प्रैक्टिस करती हूँ। क्या तुम्हें डांस पसंद है? पब वगैरह में डांस करना तक तो ठीक है, ट्रेडिशनल डांस ज्यादा पसंद नहीं है। ओके। हैप्पी बर्थडे गुलाबो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हैप्पी बर्थडे प्रिया। तुम्हारी इसी खुशी को देखने के लिए मैंने MMS भेजा। अगर सामने से विश करता तो तुम सिर्फ थैंक्स बोल देती, पर मैं इस मौके को यादगार बनाना चाहता था। थैंक यू। पर तुम तो यहाँ बैठे हो, तो ये भेजा कैसे? मेरे लैपटॉप में एक फैसिलिटी है, मैंने मैसेज रिकॉर्ड करके टाइम सेट कर दिया था, तो सही वक्त पर मैसेज पहुंच गया। गॉड, पहली बार मैंने किसी लड़की से इतनी देर बात की, पता नहीं क्यों पर तुम्हारे साथ बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज से ये जगह तुम्हारी भी है, चाहो तो यहाँ ड्रिंक भी कर सकते हो। इस प्यारी सी जगह को गंदा करूं? कभी नहीं। अरे हाँ, बर्थडे पार्टी कहाँ है? वाओ! अंकल, कोई है? रेनू, कल्पू। चोर
तो नहीं लगी? कुछ नहीं हुआ है, आप सबको बुलाना जो था। घर तो बहुत सुंदर है। ये हमारा घर नहीं है, प्रिया का है। हम सब बेसहारों को उसने सहारा दिया है। अनाथों की लाचारी कोई नहीं समझ सकता, लेकिन प्रिया को इस दर्द का एहसास अच्छी तरह से है, इसलिए उसने हम सबको एक छत के नीचे पनाह दी। उसकी वजह से बच्चों को माँ बाप मिल गए और हम बुड्ढों को बच्चों का प्यार। हमें हमारी खोई हुई इज्जत वापस मिल गई, जीने का एक नया मकसद मिल गया हम लोगों को। बर्थडे अपने घर वालों के साथ मनाना ही पसंद करता है, पर मुझे इन लोगों के साथ अपना बर्थडे मनाने में बहुत खुशी मिलती है। मेरी छोटी सी दुनिया का बहुत अहम हिस्सा हैं ये लोग। तुम्हारी दुनिया हमेशा खुश रहेगी, दिल से दुआ है। भले ही मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, मेरी दुनिया मेरे घर, ऑफिस, दोस्तों और पब तक ही सीमित, मगर तुम ऐसी नहीं हो। ये तुम्हारा प्यारा सा घर, ये मंदिर, ये गांव, तुम इन सबसे जुड़ी हुई हो। सही मायनों में जिंदगी तो तुम जी रही हो। तुम्हारी जिंदगी में हर चीज शामिल। इनफैक्ट आई रियली लाइक योर वर्ल्ड। मालिक, विकी बाबू आवत हैं। हमार मुस्टंडे कहाँ हैं? पलक झपकते ही वो यहाँ पर होंगे और अगले ही पल विकी खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से सोच लो मालिक, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। इसमें रत्ती भर की भी जोखिम नहीं है। गाड़ी की आवाज आ रही है, दो गाड़ी है क्या? हाँ, दो सुमो है। उसमें से डॉन उतरा, कल्लू कोयला उतरा है। कल्लू कोयला? हाँ। वो यहाँ कैसे आ गया? आप उनको तूने डिकी में बंद किया था ना, अब तू अपनी संभाल। जानता ये कौन है? हनुमान जिम का मालिक। पड़ेगा एक मुक्का, बन जाएगा लुक्खा। और ये है पहलवान नंबर दो, उठा के आईब्रो कर देगा तेरा बैटरी लो। और इनसे मेल ये हमारे गांव का पहलवान है, चाहे जो कोई भी हो छोड़ कर मरोड़े उसको। डार्लिंग, कोई अर्जेंट काम छोड़कर तो नहीं आया ना? हो सकता है 4-5 महीने अस्पताल में रहना पड़े, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? क्या बे, तू मारेगा मुझे? मैं नहीं मारूंगा। तो फिर कौन मारेगा? बोलना कौन मारेगा, शाना है क्या तू? मैं देख क्या रहा, मारो ना, बचाओ यार, डंडा का डाला बे। वो देखिए हमारे आदमी। जरी को कहते हैं, मुझे को राह कहते हैं, और जो पोपट में मार खाए उसे बामा कहते हैं। अरे सुन, मुझे हमारा भविष्य अंधेरे में दिख रहा है, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। मालिक, मैदान छोड़ के भागा था। अरे सुन, एक पते की बात बताऊं, जब खतरा ज्यादा हो ना तो पतली गली पकड़ने में ही भलाई है। चल भागते हैं। Hey!
डॉक्टर। कुछ दिन रेस्ट करना होगा। ओके। ये क्या है प्रिया? मैं अपने आप बचाव कर सकता हूं। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे लिए ये त्याग और बलिदान करे। आइंदा ऐसा कभी मत करना। सॉरी, अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगी। ओके ओके। लेकिन वो तो कर सकती हूँ ना जो मुझे अच्छा लगता है। हाँ तो रोका किसने है? तुमने। What? ये करना मुझे बहुत अच्छा लगा। You? You are mad. ओम विश्वानि देव। हेलो। ए विक्की, मैं शिवा बोल रहा हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। शिवा, इस वक्त मैं इंडिया में हूँ, मेरी बहन की शादी हो रही है। ठीक है, बाय। शिवा, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है यार। तूने सही कहा था दोस्त, जब से स्वाति के लिए मैंने खुद को बदला है, सारी खुशियां छीन गई है। मैंने उसके लिए अपने सपने, अपने शौक, अपना जॉब, सब कुछ छोड़ दिया यार, पर फिर भी मैं उसे खुश नहीं कर पाया। हमने शादी करने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी, अब तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि हम एक दूसरे को डिवोर्स देने जा रहे हैं। ओह शिट। चले? अब मैंने तुमसे कहा था ना बाहर जाने वाले हैं। अभी नहीं, बाद में चलते। No way, तुम्हें चलना ही होगा। प्लीज चलो ना। प्लीज यार, why don't you understand? Okay, I'm sorry. I'm really sorry. भूल गए? No sorry, no thank you. अब चलो। पर कहाँ? Secret. हम कहाँ जा रहे हैं प्रिया? आओ। हाय। स्कूल फ्रेंड्स। कृष्णा? तूने तो पहचान लिया? ये इतना मोटा कैसे हो गया तू? बैठे-बैठे काम करता हूँ ना। और तू रवि है ना? नहीं नहीं राजू। हाँ सॉरी। हाय हाय हाय। 2+2 कितना होता है? कितने दिनों बाद आए, जीते रहो बच्चे, झुक झुक जियो। थैंक्स तो तुम्हें प्रिया को कहना चाहिए। ये सारा री यूनियन का प्लान उसी का था। पास में रहते हुए भी उसने मुझे 50 बार फोन किए। Really? वैसे तुम यहाँ पर कितने दिनों से हो? एक हफ्ते से। एक हफ्ते में क्या जादू कर दिया? मैं उसके पीछे बचपन से पड़ा हूँ। आज तक उसने मेरा एक ग्रीटिंग कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसने नॉनवेज शुरू कर दिया, डांस छोड़ दिया और तो और अपने कुत्तों से भी मुंह फेर लिया। जो लड़की आज तक गांव से बाहर नहीं गई, वो तुम्हारे लिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए राजी हो गई। गुरुजी, हमें भी कुछ सिखा दो। घबराहट होती थी कि मेरा होने वाला पति मुझे कभी समझ नहीं पाएगा, पर जब तुमने कहा कि तुम्हें मेरी दुनिया बहुत खूबसूरत लगी तो ठिकाना नहीं रहा मेरी खुशी का। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग माय वर्ल्ड। विक्की भैया, अंकल आपको बुला रहे हैं। जजमान, मैंने दोनों की कुंडली पढ़ ली है, कल इसी समय का मुहूर्त बहुत अच्छा है। विकी कहाँ है?
आ बेटा, कल का मुहूर्त मंगनी के लिए बहुत आपने तय कर लिया और आपने मेरी पसंद के बारे में पूछा तक नहीं। ये क्या मजाक? क्या तुम्हें प्रिया पसंद नहीं? ये मुझे पसंद है, लेकिन हम एक दूसरे का साथ निभा नहीं पाए। हम दोनों की दुनिया एक दूसरे से अलग है। अगर साथ रहना है तो या तो उसे अपनी दुनिया छोड़नी पड़ेगी या फिर मुझे अपने सपनों को भूलना पड़ेगा, और मैं ऐसा कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते? उसने तो तुम्हारे लिए अपने डांस तक को कुर्बान कर दिया। यही तो मैं नहीं चाहता डैड। वो मेरी वजह से अपनी जिंदगी के मायने क्यों बदले? मायने बदलने के बाद भी वो दुखी नहीं होगी? बताइए क्यों नहीं होगी दुखी? जिस डांस की वो 20 साल से प्रैक्टिस कर रही है उसे छोड़कर दुख नहीं होगा? जिस कुत्ते को इतना प्यार करती है उसे छोड़कर दुख नहीं होगा? ये मॉडर्न ड्रेस नहीं पहनती, मीट नहीं खाती क्योंकि इसे पसंद नहीं है। मेरी खातिर इसे सब करने की क्या जरूरत है? अभी ये सब ठीक लग रहा है, लेकिन शादी के बाद क्या? इसे अपनी दुनिया बेहतर लगी तो? प्रिया तुम खुद सोचो, जो तुम्हें बदल कर प्यार करे वो सही है, या तुम जैसी हो तुम्हें वैसे प्यार करे वो सही है? हर लड़की की दुनिया उसकी शादी से पहले अलग होती है विकी, लेकिन उनमें से कितनों की दुनिया इतनी खूबसूरत होती है? समझौता करने के लिए आज ये तैयार है, पर शादी के बाद ये कभी खुश नहीं रह पाएगी। क्यों? समझौता करके क्या हम लोग खुश नहीं है? ऐसे खुश नसीब लोग बहुत कम है डैड। आपके टाइम की बात अलग थी, जिंदगी तेजी से बदल रही। सुबह घर से निकलते हैं तो पता नहीं होता कि किस वक्त लौटेंगे। आजकल एक पूरे दिन में पति पत्नी एक दूसरे के साथ 2 घंटे से ऊपर नहीं बिताते। मैं कहता हूं उन 2 घंटों के लिए भी कोई समझौता क्यों करें? मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि आप मेरी तरह से सोचें, लेकिन मैं ऐसे ही सोचता हूं। फिर चाहे मेरी सोच सही हो या फिर वो गलत। बेटा ये क्या कह रहा है? पहले तूने कहा कि वो तुझे बहुत पसंद है, अब तू इनकार कर रहा है? मुझे तो ताजमहल भी पसंद है माँ, लेकिन मैं उसे अपने घर में लाकर सजावट का सामान नहीं बना सकता। I'm sorry, Priya. We are not made for each other. मुझे लगा वो तुम्हें मजाक में छेड़ रहा है। अगर मुझे जरा भी पता होता कि वो इतना बुरा है तो मैं कभी उससे ये सब चीजें नहीं लेता। I'm really sorry, दीदी। बेटा प्रिया, कुछ यादें हमें खुशी देती है और कुछ यादें हमें दुख देती है। ये तो हम पे निर्भर करता है ना कि हम क्या याद करें और क्या भूलें। क्या डैड, आप दोनों इस तरह क्यों दुखी हो रहे हैं? मुझे जानते हैं ना आप लोग। यही तुम्हारी गलतफहमी थी, इसीलिए तो तुम्हारी तरह सोचने वाली नहीं बल्कि तुम्हारे लिए सोचने वाली लड़की चुनी थी। डैड मैं जानता हूं, जैसे सोच रखने वाली लड़की मत चुनना, कभी नहीं मिलेगी, और मिल भी गई तो कभी खुश नहीं रह पाओगे तुम। समझ में नहीं आता कि मैं उस लड़की के साथ खुश क्यों नहीं रहूंगा जो मेरी तरह सोचती, पर ये बात डैड कभी नहीं समझ सकेंगे, इसलिए उनसे बहस करना बेकार है। खैर, मुझे ये सब भूल के अपने लक्ष्य को पाना है और अपने सपनों को साकार करना है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? अरे अपना नया ऑफिस कैसा है? बहुत ही सुंदर। हाँ, सो देखेंगे अपने न्यू बॉस। तुम भी ना।
अभी तक बैग लेके यहाँ वहाँ भटक रहे, तुम्हें कोई बकरा नहीं मिला क्या? उम्मीद भी बहुत कम है। जब तक तुम जवान लोग अपने जीने का रवैया नहीं बदलोगे, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो एडजस्टमेंट करना सीखो। सक्सेस पाने के लिए मैं खुद को बदलने, झुकने और गिड़गिड़ाने में विश्वास नहीं करता। अपने अंदर कुछ खास होना चाहिए जिसकी दूसरे को जरूरत हो। इट्स दैट सिंपल। अगर मैं श्री के सामने झुक जाता जैसा कि आप चाहते थे तो अभी तक उसके साथ गोल्फ खेल रहा होता, पर मैंने समझौता नहीं किया, इसलिए आज उससे भी बड़ी कंपनी में ऑफर है। इस बेवकूफ ने तुम्हें ये ऑफर दिया? क्यों, उसे नौकरी से निकालना है? उस पर दया आ रही है। वन मिनट, आप जा सकते हैं, मेरा ऑफिस तो आ गया। हाय विकी। हाय। हाय डैड। डैडी, आप विकी को पहचानते हैं? दुबे सर। ओह गॉड, ओह नो, राजन को जरा बुलाओ। वो अब तक आया नहीं है, मुझे बताइए ना क्या चाहिए। विकी को किसने सिलेक्ट किया? उसे मैंने सिलेक्ट किया। नहीं नहीं, मैंने तो भावना को मना किया था, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। सर, देखो मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है, जल्दी मेरे केबिन में आओ। राजा, विकी और उसकी टीम को निकाल दो, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन सर, अगर उन्हें बिना वजह निकाल दिया तो लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। क्या लीगल लीगल कर रहा है, मेरे ऊपर 100 से भी ज्यादा केसेस चल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? केस की बात नहीं है सर, कंपनी की इज्जत की बात है। क्या इज्जत की बात करते हो, क्या मैं इज्जत से नहीं जी रहा हूँ? शट अप। उसे कहो कि अपना रवैया बदले, अगर वो नहीं माने तो लीगल डिपार्टमेंट से बात करके उसे निकाल दो। ओके सर, अब तुम जा सकते हो। राजा। जी सर। इसे देखकर मेरे सिर में दर्द होता है, इसे इंडिया जाने का बंदोबस्त कर। ओके सर। जीजा जी। हेलो। हाय, मैं जॉर्ज हूँ, कैडबरी कंपनी से बोल रहा हूँ। तुम विकी हो? हाँ। क्या तुमने कैडबरी मेड फॉर ईच अदर कॉन्टेस्ट के फॉर्म को भर के हिस्सा लिया था? हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, 6.5 लाख एप्लीकेशन में से आप विनर चुने गए हैं, एक ऐसे लड़के के साथ जिसकी पसंद आपसे मिलती है। क्या 6.5 लाख लोगों में एक लड़की है जो मेरी तरह सोचती है? कौन है वो लड़की? विकी बोल रहा हूं, क्या तुम मैगी बोल रही हो? हेलो। हे, वेयर आर यू? तुम कहां हो? कॉफी शॉप के सामने। गच्चा। तुम कहां हो? ढूंढ लो। मैं वही काम करती हूँ जो मुझे पसंद हो, मैं किसी से ऐवे ही नहीं मिलती, उसमें डेफिनेटली कोई स्पेशल बात होनी चाहिए। ये तुम्हारा टेस्ट है, ये जानने के लिए कि तुम में कुछ स्पेशल है कि नहीं। ऑलराइट, मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ, मुझे ढूंढ सको तो ढूंढ लो। 3 मिनट में ढूंढ लिया तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी, यहाँ पर मेरे और तुम्हारी तरह बहुत सारे इंडियंस हैं, इतना आसान नहीं होगा। 2 मिनट काफी रहेंगे। आई विल वेट, लेकिन 2 मिनट में नहीं ढूंढा तो हम कभी नहीं मिलेंगे। ओके। What? कुछ नहीं। Hi Maggie,
Your time is up. Ma'am, आपका order. पर मैंने तो order नहीं किया. मैंने order किया. What? दो मिनट पहले. Apple pie, choco pie और mineral water. मैं जानता हूँ तुम्हें पसंद है. वो कैसे? Simple. हम दोनों एक ही ब्रांड का परफ्यूम यूज करते हैं, एक जैसे वीडियो गेम्स खेलते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेशल लोगों से मिलने व्हाइट कपड़े पहन कर जाते हैं. पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पता है कि तुम्हें भी मेरी तरह हारना पसंद नहीं, तो तुम भी जीत गई, मैं भी जीत गया. मैं तो उस लड़की को देखने गया था जो मेरी तरह सोचती है, लेकिन मुझे उससे मिलते ही पता चल गया कि ये लड़की मेरे लिए सही है. ये भी वही करती जो उसे पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह. हर बात में एडजस्ट करना इसका स्टाइल नहीं है. हमारी दुनिया एक जैसी है. तो अब क्या? डेट पर चलें? क्या अभी मिले और अभी डेट पर जाना है? हाँ, देखो 40 देश, 200 एयरपोर्ट्स और 6.5 लाख लोगों के बीच हम दोनों ही हैं जो मेड फॉर ईच अदर कॉन्टेस्ट जीते हैं. इंडियन है और एक ही शहर में रहते हैं. मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, बट जरा सोचो, एक ऐसा मौका जो 6 लाख लोगों ने गवा दिया. क्या? बहुत मजा आएगा. क्यों? हेलो. हेलो मामा जी, मैं बोल रहा हूँ. कैसे हो बेटे? मैं ठीक हूँ मामा जी. मैंने सुना है आप लोग मेरी शादी में नहीं आ रहे हैं. क्या है ना, वो मुझे हेल्थ कैंप्स अटेंड करने हैं और बेटू के भी एग्जाम्स चल रहे हैं. प्रिया तो फ्री है, वहां रहेगी तो बहुत अपसेट रहेगी, उसे एक वेकेशन की जरूरत है. मैं प्लेन का टिकट भेज रहा हूं, बेहतर होगा उसे यहां भेज दीजिए. यहाँ जब पहले आती थी तो सिर्फ मम्मी की ही याद आती थी, अब विक्की की भी आती है. आप कहते थे कि दुनिया को हम जो देते हैं दुनिया हमें वही देती है. मैंने तो प्यार दिया था उसे, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम्हें कहीं घूम आना चाहिए, शादी अटेंड कर लो. हाय माँ. कैसे हो बेटा? सुपर्ब. माँ, पापा ने कहा था कि मुझे ऐसी लड़की कभी नहीं मिलेगी जो मेरी तरह सोचती है. मुझे मिल गई माँ, मैं बहुत खुश हूँ. माँ, अपने पति को बता दीजिएगा, आज मैं उसके डैडी से मिलने जा रहा हूँ. माँ, आपका आशीर्वाद चाहिए. जस्ट जोकिंग माँ, जस्ट चिल, बाय. सॉरी मैगी, ट्रैफिक में फंस गया था. जल्दी आओ विकी. तुम्हारे डैडी कहाँ है? वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं. इतना आसान नहीं होता ये काम करना. आ बेटा. डैड, ये है विकी. अब बोलना नहीं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड. मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ समझौता नहीं कर सकता. तुम लोग क्या खुद को फिरंग समझने लगे हो? ओल्ड एटीट्यूड. जिंदगी भी हमें क्या क्या झटके देती है. नाइस टू मीट यू सर. सॉरी सर, वो तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं. क्या बात हुई डैड, पहली मुलाकात में ही आपने उसे रिजेक्ट कर दिया. पूरे एक महीने डेट करने के बाद मैंने उसे पसंद किया है. वैसे भी शादी मुझे करनी है आपको. लेकिन तुम तो मेरी बात सब. मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और आपसे परमिशन भी नहीं मांग रही. ये मेरा डिसीजन है, दैट्स इट. तुम गलत डिसीजन ले रही हो. मेरे हर डिसीजन को आपने हमेशा गलत ही कहा है. मैगी, अपना हुनर जीजू को दिखाकर यहाँ सेटल होने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा. ये गोल्डन चांस है. अंजी बाबू, लग जा काम पर.
तुमसे कितनी बार कहा है कि वो सब मैं जानता था आप ऐसी हरकत जरूर करेंगे। इन्हें वही मार सकता था, फिर क्या होता, आप कुछ और किराए के गुंडे भेज देते मुझे मारने के लिए। क्या फायदा, आपके पैसे बर्बाद होते और मेरा टाइम। इसलिए तुम मारना चाहते हो मुझे? आजा, तुम मारना चाहते हो? तुम आजा आपकी प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों का बचकाना प्यार मेरी प्रॉब्लम। शायद आपको पता नहीं, मेड फॉर ईच अदर की 6.5 लाख एप्लीकेशंस में से हमारी जोड़ी सेलेक्ट हुई है। लाइफ कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है जिसमें 4 में से 1 ऑप्शन पर टिक किया जाता है। हम अक्सर प्यार में अंधे होकर गलत फैसले लेते हैं और उसका अंजाम भी भुगतते हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्या कह रहे? सेम तरह की कॉफी पीने को प्यार नहीं कहते, मिलकर कॉफी बनाने को प्यार कहते हैं। तुम दोनों ये नहीं कर पाओगे। मैं इसकी तरह सोचता हूँ, ये मेरी तरह सोचती है। अगर हम साथ में जिंदगी गुजारे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? इट्स वेरी सिंपल। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं हो तो तुम लड़ोगे लेकिन एडजस्ट नहीं करोगे। मेरी बेटी भी तुम्हारी तरह है। तुम दोनों हमेशा जीतना चाहते हो। अपनी सारी जिंदगी तुम दोनों एक दूसरे से जीतने में खत्म कर दोगे। एक साथ जियोगे कब तुम लोग? माँ बाप को अपने बच्चों से सिवाय प्यार के और कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन जवान लोगों को प्यार के साथ एक दूसरे से बहुत कुछ चाहिए होता है, और तुम लोग ये बैलेंस नहीं कर सकते, इसलिए तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। बकवास है ये। जब यहाँ पर जॉब ज्यादा थे और लोग कम, उस वक्त आप यहाँ आकर कामयाब हुए। मैंने हजारों कैंडिडेट्स को हरा कर यहाँ काम हासिल किया, पर मुझ में बैलेंस नहीं है। मैं बताऊं आपकी प्रॉब्लम क्या है अंकल, कि मैं मैगी से प्यार करता हूँ। अगर आपको मेरे बारे में मैरिज ब्यूरो से पता चलता तो आप कहते कि वाह, इतनी छोटी उम्र में लड़के ने इतनी तरक्की कर ली, मेरे बारे में आप अच्छा ही सोचते। सेकंड प्रॉब्लम, बॉस और एम्प्लॉय प्रॉब्लम। कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को पसंद नहीं करता, करता भी हो तो इतना नहीं कि वो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दे। चलिए मान लेते हैं कि आप अपनी बेटी मैगी की शादी अपनी पसंद के किसी लड़के से कर भी देते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो उस लड़के के साथ जिंदगी भर खुश रह पाएगी? मामला एकदम साफ है सर, शादी के लिए भरोसा होना जरूरी। हमें भरोसा है कि हम शादी करके निभा पाएंगे, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि सिर्फ मैं ही मैगी के लिए सही लड़का हूं। इस दुनिया में आपको छोड़कर ये बात कोई भी माने। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ मेरी सोच है कि तुम मैगी के लिए सही लड़के नहीं हो, तो फिर साबित करो। 4 दिनों में मेरी बड़ी बेटी की शादी है, सारे रिश्तेदार यहां पर होंगे, तुम भी आ जाओ। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जैसे हो वैसे ही रहो। शादी के बाद मैं 4 रिश्तेदारों से तुम्हारे बारे में राय लूंगा कि तुम मैगी के लिए सही हो या नहीं। उन 4 लोगों में से अगर 2 ने भी सही बोला तो तुम दोनों की शादी कराऊंगा और इंडिया में एक कंपनी भी खोल के दूंगा। लेकिन अगर ना कहा तो तुम्हें मैगी के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को भी भूलना होगा। हमें आपकी शर्त मंजूर है। जो लेक्चर मेरे डैड ने मुझे दिया था ये वही दोहरा रहे। बड़ों को गलत साबित करने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। आप 2 की बात करते हैं, अगर किसी एक ने भी ना बोला तो मैं मैगी की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। ये सब क्या चल रहा है जी? ये कहते हैं कि 6.5 लाख लोगों में से ये चुने गए थे। मैं कहता हूं पूरी दुनिया इनके रिश्ते को रिजेक्ट कर देगी। 4 दिन भी टिक नहीं पाएगा ये, भूल जाओ उसे।
जीजी को खुश करने का एक और गोल्डन चांस मिल गया मुझे। तू फार्म हाउस तो आविकी, तेरे कपड़े वहीं पर फाड़ूंगा मैं। हां हाउ यू राजी होइंग विद रिस्किंग शर्त विकी? रिस्क? मुझे तो इसमें कोई रिस्क नहीं लगता। तुम सब लोग तो खुश है ना? हाँ ऑफ कोर्स। हाँ तो बाकी के लोग भी खुश रहे। कोई मुझे ना पसंद करे ऐसा कभी हुआ है क्या? अगर बाप ने इतना भाषण नहीं दिया होता तो अब तक तो मैगी से मेरी शादी हो गई होती और मैं वेनिस में हनीमून मना रहा होता। हाय। हाय डार्लिंग। तुम निकल कब रहे हो? आज रात की फ्लाइट से। मतलब कल सुबह तक पहुंच जाओगे? ऑफ कोर्स। और हमारा चैलेंज भी कल से शुरू हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मुझे वो एक मिनट। हेलो राम बाबू। हाँ मैं ठीक हूँ, नो प्रॉब्लम। ना यहाँ खाने को मच्छी है ना झींगा है, तेरी लाइफ वहाँ ज्यादा अच्छी है। सुना शादी होगी, हनीमून मनाया कि नहीं? हनीमून के लिए कहाँ गया था? एक्सक्यूज मी मुझे मैगी कहाँ मिलेगी? मैगी को ढूंढ रहे हो? पहले मुझसे पूछा था ना, अब उससे क्यों पूछ रहा है? अच्छा तूने पहले उससे पूछा, फिर मेरे पास क्यों आया? उसे क्या पता कि वो किस बेवकूफ से पूछ रहा है। नहीं नहीं तू बेवकूफ। ज्यादा फालतू बात करेगा तो अच्छा नहीं होगा। ए, बड़ा भाई से अगर बदतमीजी से बात करोगे तो ऐसे ही जवाब मिलेगा। अरे तुम भी ऐसा वैसा बात मत करो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, छोटा नहीं रहा। अरे छोर अगर तू इतना ही बड़ा है तो आपने बीबी कहा तो मैं माफी का पैगाम मेरे पास क्यों भेजता है? बोल बोल। हाँ हाँ गलती हो गई, माफी के पैगाम के बदले तुम्हें बॉम्ब भेजना चाहिए था। इस इडियट की वजह से मुझे तेरे मुंह लगना पड़ा और इसी इडियट की वजह से मुझे तुम्हारे साथ बहस करनी पड़ रही है। क्या है? एक झापड़ दूंगा। बोलते क्या, लगा दे। सिर्फ इसको नहीं तुझे भी दूंगा। मुझे क्यों मारोगे? शर्म नहीं आती? इतने बड़े होके बच्चों की तरह लड़ते हो। अगर साथ नहीं रह सकते तो शांति से अलग हो जाओ, चले जाओ अपने रास्ते। एकदम करेक्ट बोला। तुम तो लंदन जाकर कोई बेकार सी नौकरी ढूंढने वाले थे, तो जाओ हमें छुटकारा मिलेगा। छुटकारा तुझे नहीं मुझे मिलेगा। ये शादी होने का इंतजार कर रहा हूँ मैं। तुम्हारा मानुष सूरत देखने से अच्छा मैं लंदन चला जाऊँ। जरूर चले जाना, नहीं तो मैं भेज दूंगा तुम्हें। एंड यू, दोबारा दिखना नहीं। मैं बस अभी आया। हाय अंकल। तुम हो कौन जो उन दोनों भाइयों को अलग रहने की सलाह दे रहे हो? मेरी सलाह मानेंगे तो खुश रहेंगे, दोनों लड़ते रहते हैं। कैसे भाई हैं? गलत सलाह है, उन दोनों की भलाई इसी में है कि वो साथ रहें, इसी से वो दोनों एक दूसरे के सुख दुख में भागी होंगे। साथ रहकर झगड़ने से अच्छा है कि ये लोग अलग रहकर खुश रहें, क्या ये फैसला सही नहीं है? चाहे मुश्किल हो या आसान, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। फैसला करने से पहले उसका परिणाम सोचना चाहिए। लेकिन तुम रहने दो, तुम्हारी जनरेशन ये बात नहीं समझती। सर अपने फार्म हाउस की खिड़की पर बैठकर हमारी जनरेशन जो असली दुनिया में रहती है उस पर कमेंट ना करें तो अच्छा है। ये बातें सुनकर मैं बोर हो चुका हूँ। आप जो कह रहे हैं वो सिर्फ किताबों में पढ़कर अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसके लिए कोई जगह नहीं। डैडी। डैडी? ये मैगी का फ्रेंड है और शादी में आया है। अतिथि देवो भव, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। हमारा परिवार एक है और शादी हमारे लिए उत्सव जैसी होती है, इसलिए हमारे परिवार को तोड़ने की बात बिल्कुल मत करना। तुम्हें तो मैंने यहाँ 4 दिनों के लिए इनवाइट किया था। राम लक्ष्मण से झगड़ा करना, डैडी से बहस, लगता है 2 दिन भी टिक नहीं पाओगे। आई लाइक दिस। गर्लफ्रेंड अगर तुम्हें किस करे तो टेंशन दूर होता है, मूड बेटर हो जाता है। टेंशन इस बात की है कि पहले ही दिन 3 लोगों से झगड़ा हो गया। मैं आज तक कोई शर्त नहीं हारा हूं, पर ये तो प्यार का मामला है, जीत हमारी ही होगी। पता नहीं हम जीतेंगे या नहीं, मेरे परिवार के लोग, डैडी उनसे हमारे बारे में पूछेंगे, पता नहीं उनका जवाब। ऐसा किसी ने मुझसे कहा था कि बॉयफ्रेंड के किस करने से गर्लफ्रेंड का टेंशन दूर हो जाता है, मूड बनता है। अगर मेरे मामा ने तुम्हें किस करते देख लिया ना तो तुम गए। कौन? वो जोकर? तुम शायद जानते नहीं कि वो इस पूरे एरिया के छोटे डॉन है। तुमने उनसे पंगा लिया तो तुम्हारी वाट लगा देंगे।
जिसे तुम शहर का डॉन कह रही हो, मुझे तो जोकर लगता है। मैं जोकर लगता हूँ तुझे? मुझे 11 गांव के हवलदार ढूंढ रहे हैं। शादी होने से पहले तेरा पैकअप नहीं करा दिया ना तो मेरा नाम बदल देना, समझा क्या है मुझे? आज चुम्मा ले ले, कल तुन्ना तुन्ना कराऊंगा। यहाँ भी किस किया, यहाँ भी किस किया, मामा जाओ बता दो मामा को। मेरे गोलू बोलू, एक छोटा काम कर, उस विकी को जाकर बोल कि मैगी उसे बुला रही है, और तू ये चॉकलेट खा, बहुत कमजोर हो गया, जा, मजा आएगा। देख लेना विकी, आज तेरे में अच्छे से चम्पी करूंगा। जीजू मुझे आशीर्वाद दो जीजू कि मैं आपके नमक का कर्ज अदा कर सकूं। गिर गया। अरे जीजू इसकी क्या जरूरत, तुम ही तो मेरे अपने हो, लाओगे क्या? गिर गया। अबे ये तो रॉन्ग नंबर लग गया। अरे राम भैया, इस रूट की सभी लाइनें बैठे, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करो। तेल गिराता है, मुझे गिराता है। मैंने तो लक्ष्मण के लिए तेल गिराया था, तुम देख के नहीं चल सकते थे? लक्ष्मण के लिए गिराया था तो मुझे बोलना चाहिए ना। मेनलाइन कनेक्शन छोड़, तेरा तो टावर ही टूट गया। अच्छा सबक सिखाया, सबक सिखाया? क्या ये तेरा प्लान था? मेरा प्लान? साले मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तू मेरी हड्डी पसली तोड़ी थी। करना बोल, खत्म नहीं होता क्या? दांत में कीड़े क्या? ये क्या बचपना है, तेल गिराना, केले के छिलके फेंकना, इनकी तरह मैं इतना भोंदू नहीं हूँ जो ऐसे गिर जाऊंगा। प्लीज थिंक डिफरेंट। शादी की सारी तैयारियां ठीक से चल रही है ना? उम्मीद से बेहतर चल रही है। बाऊजी, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सच था, वो वाकई में लंदन जाने की सोच रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों भाई कभी भी नहीं मिल पाएंगे। अगर उन्हें कोई समझा सकता है, रोक सकता है, तो वो आप हैं बाबूजी। एक्सक्यूज मी, बराबर नमस्ते। रुको। हाँ? ये माइंड गेम कंपनी का ओनर यहाँ क्या कर रहा है? पर दूल्हे के बाप को तो यही होना चाहिए। तू भी ना। हाय। बात लग गई, अब क्या करूं? मैगी उस लड़के से प्यार करती है। ये कितना बदतमीज लड़का है, तुम जानते हो ना? मैं तो जानता हूँ, लेकिन मैगी नहीं जानती ना, उसी को तो समझाना है। ये बात नहीं है। रिलैक्स, 4 दिन की बात है। 4 दिन बाद वो खुद यहाँ से चला जाएगा। मुझे अपने प्लान पे पूरा भरोसा है। तुम यहाँ पर कैसे? जीजू, ये है मेरा बॉयफ्रेंड विकी। हम 2 महीने पहले मिले, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम एक जैसे हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। अच्छे दिखते हो, लेकिन मुझसे कम। ये प्रिया है, आज ही इंडिया से आई है। ओह। हाय प्रिया। Congratulations.
मैं मैगी से मिलकर आई, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग यार, सोचा नहीं था कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगी। अगर तुम रोकर अपनी दुख भरी कहानी अपने अंकल को सुना देती तो मेरा तो बैंड ही बज जाता। देखो अगर रोने से समस्याएं हल होती तो जिंदगी कितनी आसान होती, पर ऐसा होता नहीं है राइट, बस इसीलिए। हाँ वो तो सही है, बट यू नो समथिंग, तुम्हें यहाँ देखकर मैंने इस शर्त को जीतने की सारी उम्मीदें खो दी थी। तुमने शर्त लगाई है? देखा तुम भी टेंस हो गई ना। नहीं नहीं मैं तो कुछ और सोच रही थी, अगर तुम उनसे दूर भागते रहे तो उनके करीब कैसे आओगे और उनका दिल कैसे जीतोगे? तो मैं क्या करूं, इस घर का हर सदस्य आइटम, एक आइटम। सब में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है और तुम तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो। जस्ट बी योरसेल्फ, शो योर चार्म, तुम सबका दिल जीत लोगे। थैंक यू सो मच गुलाबो। ओह नो, आई एम रियली सॉरी। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा कैसे हो सकता है? बोल उसको, बोल। नहीं नहीं बोल उसको, करना ही पड़ेगा। अरे ये क्या है, मैंने इन सब की खुशी के लिए इतना सारा इंतजाम किया है, ये रोशनी ये सब, लेकिन ये तो सिर्फ लैपटॉप और सेलफोन्स पर बिजी। इन सबको काम का प्रेशर है बाबूजी। क्या खाक काम करते हैं। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मुझे खुश होना चाहिए या लोगों के बीच जो दूरियां आ गई उसे देखकर दुखी होना चाहिए? अफसोस की बात है। लड़कियों के सामने पपट गया। गलती से हो गया अंकल, इसने जानबूझकर किया है। प्लीज माफ कर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। प्रिया, बाप रे बाप। प्रिया तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? तुम्हें पता है आज क्या हुआ? तुम्हें मैगी के डैड की शक्ल देखनी चाहिए थी, मुझे तो उन पर तरस आ रहा था। आई थिंक ये शर्त तो मैं जीत कर ही रहूंगा। अगर तुम एक दिन पहले आ गई होती ना तो अब तक तो मैं ये शर्त जीत चुका होता। पर एक बात साबित हो गई, अगर तुम मेरे साथ हो ना तो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारूंगा। मुझे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। कम ऑन प्रिया, कम ऑन, प्रॉमिस मी तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। प्रॉमिस मी, प्रॉमिस मी, कम ऑन। कम ऑन विकी, सब तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। सॉरी प्रिया, कम ऑन। आई विल जस्ट कम प्रिया, मैं अभी आता हूं। गुड, वेरी गुड। मुझे यही तो चाहिए था कि तुम इनके करीब जा सको, इनके बीच रह सको और वो तुम्हारा असली चेहरा देखे। तुम जीत नहीं पाओगे। आपके लिए जीत एक मेहमान की तरह है जो कभी कभी आते हैं, और मेरे लिए उस दोस्त की तरह है जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं।
अब ये दिल वाला दुल्हनिया लेकर ही जाएगा. ऑल द बेस्ट. यू टू. मैं जीत गया. जीते हो बल्कि टॉस हार गए हो. जब भी मैं टॉस हारता हूँ मैच जीत जाता हूँ. ये क्या बकवास कर रहे हो? नहीं समझोगे, ये गेम प्लान है. देखो वो हम सभी का दुश्मन है. इस मैच के बाद उसे यहाँ रहना नहीं चाहिए, इसलिए डासे प्लान बनाया है. हमारे सारे बॉल्स स्टंप्स पर नहीं उसके सिर पर लगने चाहिए. और कैप्टन होने के नाते ये मेरे ऑर्डर्स हैं. सॉरी, अगर हम हारेंगे तो इसकी वजह से. छोड़ रे, तू बड़ा टेंडुलकर है ना. ये टाइम आपस में लड़ने का नहीं है बल्कि मिलकर दुश्मन को हराने का है. इट्स नॉट अ गेम, दिस इज अ वॉर. विकी, मेरे मामा ने मुझसे 50,000 की बेट लगाई है. ये मैच हमें किसी भी हालत में जीतना है. अगर ये तुम्हारे अंकल का प्लान है तो मैं जरूर जीत कर दिखाऊंगा. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. मुझे हराने चला था, आउट हो गया. अरे अंजे, अरे तुमने तो कमाल कर दिया, कमाल. गुरुजी, 19 चौके बचा चुके हो, बड़े हिम्मत वाले हो. 19 नहीं है, 20 चौके. ठीक से गिन ले. किसको आया देखो. हर बार यही बीच में क्यों आते हैं? हर बार मुझे ही निशाना क्यों बनाता है? Come on लक्ष्मण, कैच कर. आप भी कैच करो. लक्ष्मण कैच करो. राम भाई आउट करो. अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे कैच गिरा दिया. तुम दोनों मिलकर मेरी बचवा दोगे. अच्छा खासा कैच. आउट. 140 रन जीतने के लिए. हवा. वक्त आ गया है, आप दोनों को ही कमाल दिखाना है. इसे बैट भी तो पकड़ने नहीं आता. तो आप सिखा दीजिए ना. इसको जाके बोल पहले गिल्ली डंडा खेले. ए भाई तू चले जा. कम ऑन, एक रन. आउट. क्या यू चल भाग. Yes! दादा, अब आपको ही खेलना पड़ेगा. उसके साथ कौन खेलेगा? मामा, कम से कम आप तो जाइए. मैं जाऊं? इन दोनों में से किसी एक उंगली को पकड़ो. पर क्यों? पकड़ो ना. अगर इस उंगली को पकड़ा होता तो मैं पक्का स्टंप उड़ाता. बैड लक. तो फिर अब क्या उड़ाने वाले हो? अरे और कितनी दूर जाओगे? आइडिया. वो उड़ाए उससे पहले मैं ही उड़ा देता हूँ. How was that? Umpire! How was that? Out. Yeah! Out ho gaya. Out. 4 ball, 3 run jeetne ke liye. जीत बोरे. मैं उसके साथ नहीं खेलना चाहता. लास्ट बैट्समैन तुम ही हो, खेलना ही पड़ेगा. ठीक है, जाता हूँ, और कोई चारा नहीं है. दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते, क्या खाक खेलेंगे? ओके. Okay.
बॉल उसके हाथ में था ना। सॉरी यार। जरा सुनना। लास्ट बॉल, जीतने के लिए 3 रन चाहिए। समझ में नहीं आता किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। दादाजी, हमारा अहंकार हमें माफी मांगने से रोकता है और रिश्तों को तोड़ देता है। अगर अहंकार को भूलकर हम एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो समझ में आता है कि हमारे बीच रिश्ते कितनी आसानी से जुड़ सकते हैं। आज मेरा सपना सच हो गया। अगर तुम कोई फंक्शन किसी की खुशी और गम बांटने के लिए अटेंड करते हो तो सब तुम पर भरोसा करने लगेंगे। यहाँ इतने लोग आए हैं लेकिन सब सिर्फ दिखावे के लिए। सब ढोंग है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अपने अपने रास्ते पर चलना चाहते हैं। इसीलिए मैंने सारे रिश्तेदारों को यहाँ पर बुलाया। कुछ लोगों ने बहाने बनाने की कोशिश की लेकिन मैंने एक न सुनी। हालांकि ये तैयारियां मैंने की पर मेरे इस प्लान को अंजाम तुमने दिया बेटा। मैंने कुछ नहीं किया दादाजी। यही तो तुम्हारी खासियत है, सब कुछ करके भी कहते हो कुछ नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें कोई नापसंद नहीं कर सकता, तुम बहुत स्पेशल हो। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पर मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। तुमने देखा, राम भैया ने कमाल कर दिया, उन्हीं की वजह से जीते हम ये मैच। सर, सिर्फ एक मिनट। अरे मेरा पीछा छोड़ो। वो आ रहे। ए, ए, बैठो इधर ला। मेरे पीछे ही पड़ा है। Oh! Yeah! Ha ha! Oh! Oh! Oh!
मर गए। उनकी तबीयत कैसी है? वो ठीक है, लेकिन थोड़े रेस्ट की जरूरत है। शुक्रिया। You're welcome. मैंने पहले ही कहा था, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। अब देखा नतीजा, संगीत फंक्शन में उसने मुझे गिरा दिया, क्रिकेट मैच में मुझे बॉल से मारा, अब ये वो मैगी के लिए सही लड़का नहीं है, भगाओ उसे यहाँ से। अगर वो एक सेकंड भी यहाँ रहा ना तो मैं कुछ ना कुछ कर जाऊंगा, पता नहीं क्या, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो मुझे जान से मारने के लिए? अगर भगवान मुझे एक खून की माफी दे दे तो मैं गन लेकर अभी के अभी तुझे शूट कर दूंगा। ये तो गलत बात है, आप उसे कुछ बोलने का मौका तो दीजिए अंकल। शट अप। पर आप उसकी बात सुनते क्यों? आई सेड शट अप। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ जो तुम्हारे नखरे सह लूंगा। बहुत हुआ, चलो अब चलो। अब एक मिनट मैगी। पर किस लिए? तुम जाओ, मैं अभी आया। तुम्हारी मर्जी। I'm really sorry, sir. आपके साथ अब तक जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि उसका जिम्मेदार मैं ही हूं, लेकिन ये सब सिर्फ एक गलत फहमी है। आपने कहा अगर भगवान आपको मौका दे तो आप मुझे मार देंगे, अगर वही भगवान मुझे एक मौका दे तो मैं उनसे आपको ठीक करने की दुआ करूंगा। हो सके तो मुझे माफ कीजिएगा। उसने तुम्हें माफ किया? मजा आया होगा ना उसके पैर पड़ के? मैगी, वो कुत्तों की तरह मुझ पर भौंक रहा था और उसे मारने की बजाय तुम उसे माफी मांग रहे थे। अरे मैगी, अब तुम्हें क्या हो गया? देखो अंदर कितने खुश हैं सब लोग, अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुखी करना ठीक है क्या? यू डोंट वरी, मैं जो हूं यहां, आई विल टेक केयर। तुम बदल गए हो। व्हाट? यू हैव चेंज्ड। तुम्हें स्वीट्स पसंद नहीं है तो भी तुमने संगीत में स्वीट्स खाए। तुम्हें हारना पसंद नहीं है फिर भी तुम जानबूझकर मैच हार गए। बिना गलती के सॉरी नहीं बोलते हो, लेकिन आज वो भी कह दिया। ये तुम नहीं हो विकी, इट्स नॉट यू। मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी सोच, विचार और पसंद सब कुछ एक जैसा है तो जब मैं इतने गुस्से में हूँ तो तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? क्योंकि तुम इन लोगों के बीच बदल गए हो। अरे भैया, सब काम हो गया? आ जाओ। इतनी सारी पैकिंग मैं अकेले नहीं कर सकती, मुझे फ्लाइट के लिए लेट भी हो रहा है। कम हेल्प मी। अरे तुमसे कहना भूल ही गई, सुनो, हनीमून के लिए इंडिया ही आना, भावना को ताजमहल बहुत पसंद है, मैं उसे ले जाऊंगी वहां। बहुत हुआ, स्टॉप इट। तुमने विक्की और मैगी के प्यार को कामयाब बनाया, उनके झगड़े को सुलझाया और अचानक जाने का प्लान, ये सब क्या है? प्यार में किसी को खोने का एहसास कैसा होता है मुझे पता है। मैं नहीं चाहती कि विक्की अपने प्यार को खो दे। इस बात की खुशी है कि वो अपनी मंजिल के करीब है, लेकिन दुख भी हो रहा है कि उससे दूर जा रही हूँ। अगर उसने मेरी आंखों में आंसू देख लिए तो उसे अपने किए पर पछतावा होगा, इसीलिए मैं जितनी जल्दी हो सके जा रही हूँ। प्लीज मुझे मत रोकना। विक्की के शर्त जीतने तक वो चाहता है तुम यहीं रहो, उसे बिना बताए तुम चली जाओगी? जानते हो भैया, उसने सब कुछ गिरा दिया। हाँ हाँ। अब तक कहाँ थी तुम? प्रिया इंडिया जा रही है ना, उसकी पैकिंग करा रही थी। ओह, अभी निकली है वो। प्रिया, प्रिया रुको, तुमने यूं अचानक जाने का फैसला कर लिया? मेरा काम यहाँ खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो चुका है? कुछ दिन और रुक जाओ, मुझे जाना होगा। ओह, सुनो प्रिया, तुम यहाँ से नहीं जाओ। अगर मैं वो करूँ जो मुझे अच्छा लगता है तो तुम्हें खुशी होगी ना?
याद है जब मेरी बर्थडे पर तुम मेरे साथ थे तब मैं कितनी खुश हो गई थी? उसी तरह तुम्हारी बर्थडे पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन एक डर था कि तुम ऑस्ट्रेलिया में रहोगे और मैं इंडिया में, इसलिए तुम्हारे बताए हुए तरीके से लैपटॉप से MMS भेजूंगी। हो गई हूँ ना स्मार्ट? चलो अब केक काटते हैं। कोई बात नहीं, तब तक तो हमारी मंगनी भी हो चुकी होगी। You'll be my half husband. तुम नहीं जानते कि इस रिश्ते से मुझे कितनी खुशी होगी। जब मैंने पता लगाया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें खुश कर सकती है, तो तुम्हारे बारे में एक खास चीज पता चली। इस पूरी दुनिया में जानती हो तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? अपने आप से। फिर मुझे एक आइडिया आया, तुम्हारे लिए खुद को बदल दिया, तो तुम जितना खुद के साथ खुश रहते हो उतना ही मेरे साथ रहोगे। इसलिए मैंने आज से तय कर लिया है कि मैं वादा करती हूँ, जो तुम्हें पसंद है वही मुझे भी पसंद है, जो तुम्हें नहीं पसंद मुझे भी नहीं पसंद। जब ये बात मैंने भैया से कही तो कहने लगे मैं पागल हूँ। स्कूल और डांस छोड़कर उन्हें लगा मुझे खुशी कैसे मिल सकती है। उन्हें ये नहीं पता कि वो सब मेरी पुरानी दुनिया थी, अब तुम हो मेरी नई दुनिया। सच में विकी, I really love you. Love you a lot. अगर पूछोगे कितना तो जवाब नहीं दे पाऊंगी, अगर पूछोगे कैसे तो दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन जब तक मेरे दिल में धड़कन है मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। Love you Vicky. Love you forever. Happy birthday, Vicky. Thank you. आओ विकी आओ। मुझे लगा था तुम मेहमान हो, लेकिन तुम तो हमारे दामाद निकले। अभी-अभी मुझे तुम्हारी शर्त के बारे में पता चला। अब सिर्फ दो नहीं, यहाँ सब तुम्हारे फैसले को सही मानते हैं। They are right, Vicky. तुमने ये साबित कर दिया कि विश्वास तजुर्बे से बड़ा होता है। हो सकता है मैं ये शर्त हार गया हूं, लेकिन ये एक बाप की जीत है। अब मुझे अपनी बेटी की भविष्य की जरा भी चिंता नहीं है। सॉरी यंग मैन, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। नहीं सर, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। मेरे लिए लाइफ में जीतना ही सब कुछ था, इसलिए अपने करियर में भी मैं जीतता चला गया। खुद को सही साबित करने के लिए मैंने आपका चैलेंज भी स्वीकार किया, लेकिन जब जब मैंने जीतने की कोशिश की तो मुझे यह एहसास हुआ कि जिंदगी में जीतने के असली मायने क्या होते हैं। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब बदल गया, जब तक मुझे यह एहसास मैगी ने नहीं दिलाया। समझ नहीं पा रहा था कि यह सही है या गलत। मुझे याद है आप सबके चेहरों पर वो खुशी जब इन दोनों में सुलह हुई थी। फिर मुझे अपने पिताजी की बात याद आई। सिर्फ खुद के बारे में सोचोगे तो थोड़ी सी खुशी मिलेगी, पर अगर सबके लिए सोचोगे तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ये बात जाने बगैर मैं सालों तक अपने पिता को दुखी करता रहा। वो मुझे सहन करते रहे पर मुझसे दूर कभी नहीं हुए। पिताजी जो ठहरे। प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी होती है सर, ये बात मुझे नहीं पता थी, और इसलिए सर प्रिया को दुख देता रहा। प्रिया मुझसे प्यार करती है, इतना प्यार कि वो मेरे लिए अपनी सारी दुनिया छोड़ने के लिए तैयार है। मेरे लिए वो हमेशा हारती रही और मैं उसे अपनी जीत समझता रहा।
ऐसी लड़की को मैंने छोड़ दिया ये बोलकर कि वो मेरे लायक नहीं, हमारी सोच नहीं मिलती। लेकिन आज जब प्रिया मुझे छोड़कर जा रही है, मुझे महसूस हो रहा है कि उस दिन मैंने उसे कितना दुख पहुंचा है। मैं सोचता था कि प्यार में खुद की खुशी ही जरूरी है, पर प्यार तो खुद को दूसरे के लिए बदलने का नाम है। मैं सोचता था एडजस्टमेंट कमजोरी की निशानी है, लेकिन प्यार में एडजस्टमेंट नहीं किया तो आपने क्या किया? मुझे लगता था कि शादी दो परफेक्ट लोगों के बीच होनी चाहिए, पर अब जाके पता चला कि शादी ही दो लोगों को एक दूसरे के लिए परफेक्ट बनाती है। आपने कहा था कि मैं लोगों को खुशी और गम में साथ रहने की प्रेरणा देता हूं, पर मुझे लगता है कि वो उस उम्मीद को खो बैठेंगे, वो भी मेरी वजह से। दादाजी, मैंने जिंदगी में अपनी खुशी के अलावा किसी की परवाह नहीं की। जब मैं अपनी मर्जी का मालिक था, यकीन कीजिए मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरे आसपास के लोग नहीं। पर अब ऐसा नहीं होगा। आज मुझे असली खुशी का एहसास हो गया है, जो आप लोगों की खुशी के साथ जुड़ी है। शादी का मतलब है जिंदगी की एक नई शुरुआत, और सही मानों में शादी तभी कामयाब होती है जब दो दिल एक हो जाएं। पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिताने के लिए कुछ पलों का गम सहना ही पड़ता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दादाजी। तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बीते हैं विकी। अगर मैं तुमसे नहीं मिलती तो मुझमें कोई बदलाव नहीं आता। दो लोगों की पसंद मिलने को मैं प्यार समझती थी, पर प्यार में जरूरी होता है दो दिलों का मिलना। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं विकी, पर फिर भी मैं खुश हूं। सीरियसली, मैं बहुत खुश हूं। जानते हो क्या, आज तक इस पूरी दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली थी। तुम्हारी वजह से अब ये सब मेरी दुनिया है। तो लाइफ से अब कोई शिकायत नहीं, और इस सब की वजह सिर्फ तुम हो। थैंक्स अ लॉट विकी, शुक्रिया डैडी। मैंने आपको कितनी बार दुख पहुंचाया है ना। आई एम सॉरी। इधर आ। ए, मैं दुखी नहीं बल्कि बहुत खुश हूं। आई एम हैप्पी। थैंक यू विकी, ये सब तुम्हारा कमाल है। तुम हमें दुखी करके नहीं जा रहे हो। हम सबको तुमने मिलाया, हमारे रिश्ते को मजबूत किया। सच कहूं तो तुमने प्यार का असली मतलब समझाया है। विकी, जो प्यार हमें एक दूसरे के करीब लाया है, अब हमें उसी प्यार के साथ रहना है। उसको सबक सिखाते हैं। मॉडर्न ड्रेस नहीं पहनती। बेटा, तुम्हारा वक्त सही नहीं चल रहा है।
आप सब इसमें शामिल थे? और नहीं तो क्या? मजाक करना सिर्फ तुम्हें ही नहीं हमें भी आता है। जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए खूब मेहनत करो, कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो, तभी सफलता मिलेगी। लेकिन रिश्तों के मामले में दूसरों से हारने में भी जीत है, क्योंकि बदले में हमें भी उनका प्यार मिलता है। यही मैंने सीखा है। मैं हूं विकी और ये है मेरी कहानी।